नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you.
अबे कितना दूर है बॉर्डर? 10-12 किलोमीटर दूर होगा। जल्दी गाड़ी आगे बढ़ा लो, नूरा पहुंच गया होगा। चलो तुम लोगों को हिंदुस्तान की सैर करा देते हैं। तेरे साथ गुजारा करना सबके बस की बात नहीं आफ्ताब। आफ्ताब मेरी बात मान ले, वापस चल। देख, बॉर्डर पर चोरी करना बच्चों का खेल नहीं है, पकड़े गए तो मारे जाएंगे। आफ्ताब, आफ्ताब मेरी बात सुन, वापस चल। आफ्ताब, अब तक क्या कर रहा है तू? जितना कहा है उतना कर। बाहर आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, तेरा आदमी सही जगह पर मुस्तैद था। जल्दी माल निकाल लो, 1 घंटे में तुम्हें वापस जाना है वरना ड्यूटी बदल जाएगी। चलो। ए, माल चेक कर रहा। उठाकर बाहर फेंक, दिख नहीं रहा है। झूठ झूठ।
मुस्तफा है, हमारे गांव का छोरा। खाल उतार दूंगा थारी। बॉर्डर की चौकी पर सोते हो? सोते हो? दो दिन पहले पार्लियामेंट में हंगामा हुआ था यहाँ की तस्करी को लेकर। ठोक देंगे इंक्वायरी कमीशन हमारे ऊपर, ठोक देंगे इंक्वायरी कमीशन हम पर। क्या जवाब दूंगा? छोड़ दीजिए सर। तिवारी बैकुंठ साहब, भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा? ये तो मामूली प्याते हैं, असली मलाई तो कोई और खा रहा है। कुछ तो करना ही होगा भक्ता, ये राजस्थान है, यहाँ के रेत के बवंडर में बहुत कुछ छिपा है, मजा आएगा। कल रात तुम कहाँ गए थे? कहीं नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम, मुस्तफा ने मुझे बताया कि कल फिर तुम बॉर्डर गए थे। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। हाँ, तुम जानते हो कल हम जम्मू जा रहे हैं रेहना की शादी के लिए, उसके बाद अबू का तबादला हो रहा है धौलपुर में। तुम रिश्ते की बात करने कब आओगे घर? रिश्ते की बात तो हो गई। किससे? अपने रब से। तेरे को मजाक मत कर। जन्नत की सैर करोगी? जन्नत? आओ। मुझ पे भरोसा है? थोड़ा। तो फिर आंखें बंद करो। क्यों? तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत है कि इन्हें देखता रहा तो आज बस। तो आज क्या? जो मैं तुम्हें महसूस कराना चाहता हूं उसमें अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन आज मैं उस एहसास का एहसास दिलाना चाहता हूं तुम्हें। महसूस करोगी? तो फिर आंखें बंद करो। हवा का पहला झोंका तुम्हारे दामन को छूना चाहता है, तो छूने दो ना। आसमान ने अपनी बाहें फैलाई हैं, वो तुम्हें अपनी आगोश में लेना चाहता है। लेने दो ना। बरसात होने वाली है। होने दो ना। आसमान से पहली बूंद तुम्हारी तरफ आ रही है। होने दो ना। वो तुम्हें भिगोना चाहती है। भिगोने दो ना। उस रात ट्रक में तेरे साथ कौन था? अपने मुंह से क्या तारीफ करेगा, मेहनत से तो डरता ही नहीं मेरा बेटा। 2 महीने में एक कारखाना खड़ा कर लिया है। खुदा की मेहरबानी से जिंदगी मजे से कट रही है। बस एक कमी है तो बहू की, जो घर में आके राज करे। इसके अब्बा क्या करते हैं? जी, वो हमारे साथ नहीं है। वो उनके साथ हैं जिन्हें शायद वो हमसे ज्यादा चाहते हैं। कब हुआ इंतकाल? रुखसाना बेटी नहीं नजर आई, अभी बुलाती हूँ। ठहरो बेगम, उससे पहले कुछ बातें साफ हो जाए तो बेहतर है। हम समझे नहीं। देखिए बहन जी, हम भी राजस्थान के हैं, जात बिरादरी में उठना बैठना होता है। अब लोग आगा पीछा पूछेंगे तो क्या कहूंगा? शराफत बाजार से तो नहीं खरीदी जा सकती, वो तो खून में होती है। शेख साहब, मेरे अब्बा अजमेर में मौलाना थे और मेरे दादा नवाब के मौलवी थे। और आफ्ताब के अब्बा? रहने दीजिए बहन जी, मेरा मुंह मत खुलवाइए। इसके नाम के आगे कोई नाम नहीं है। बाप का नाम ही वो कश्ती है जो औलाद के लिए जिंदगी के तूफानों में सहारा होती है। इसके पास तो तिनके का भी सहारा नहीं है। चलो मम्मी।
Hi. Let's go. We're late. Nervous? No. Why? तुम्हारे वकील ने मुझे सब कुछ बता दिया है जय. तुमने एक बार फिर इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है ना? मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा रागिनी, क्योंकि मेरी तैयारी इतनी पक्की है कि वो लोग मुझे ना कर ही नहीं सकते. आपकी मेहनत से मैं और मेरे पार्टनर्स बहुत खुश हैं. वेल डन मिस्टर धनंजय. थैंक यू सर. वेल दैट्स प्रीटी मच इट जेंटलमैन. मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहरों के मेन होर्डिंग्स और 40 अखबारों के पूरे पूरे पन्ने बुक कर चुका हूं. एडवांस पेमेंट जा चुकी है. आपका ये प्रोडक्ट एक तूफान, एक सैलाब की तरह आएगा सर, और हिंदुस्तानी मार्केट पर काबू कर लेगा. मिस्टर पंडित. सर आप जानते नहीं मैंने इस पर कितनी मेहनत की है. वी मस्ट मूव विद दिस कैंपेन इमीडिएटली सर. मिस्टर पंडित हम आपके साथ हैं, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत तब होंगे जब हमारे चेयरमैन परसों विलायत से लौटेंगे. कांग्रेचुलेशंस. एनीवे ये कॉन्ट्रैक्ट आपका ही होगा. थैंक यू वेरी मच. जय जल्दी करो, शो शुरू हो जाएगा. अरे पहले मेरा प्लान तो सुनो. ओफो, अब कौन सा प्लान है जय? हमारी बाकी जिंदगी का प्लान. अरे रागिनी सुनो तो सही, मैंने इतनी मेहनत से तैयार किया है. ओके टेल मी. ग्रेट. एक बार मेरी फॉरेन कंपनी के साथ डील पक्की हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत हो जाए, तो बस 14 तारीख को शादी की शॉपिंग और तैयारी शुरू, 16 तारीख को शादी के कार्ड छपेंगे, 18 तारीख को कपड़े. बस बस इतने सपने मत देखा करो, डर लगता है. जिंदगी में 5 मिनट के बाद क्या होने वाला है किसी को नहीं पता. अचानक कुछ भी हो सकता है. अरे अचानक वचानक कुछ नहीं होता रागिनी, ये सब डरपोक लोग सोचते हैं. मैंने जो सोचा है वो पाके रहूंगा. पा सकूंगा ना? जरूर पा सकोगे. जय तुम्हारी फोटो, और वो भी पेपर के पहले पन्ने पर. चेक दिस, धनंजय पंडित जस्टिस सुराब जी के हाथों एडवर्टाइजिंग का सबसे बड़ा अवार्ड पा रहा है. वाओ, इंडिया के बिजनेस मार्केट पे वो छा जाएगा. 25 साल का होनहार, स्मार्ट, डैशिंग, डायनामिक. बस बस बस, मेरे हिसाब से आज के लिए डायनामिक तक ही काफी है. और साथ में हैंडसम भी. लेकिन साथ में तो सुराब जी खड़ा है. बुड्ढा तुम्हें हैंडसम लगता है क्या? शायद. शट अप रागिनी, अब तो ऐसा ही होगा, क्योंकि जिस दुनिया के बारे में मैंने सोचा है उसमें बस हम और तुम रहेंगे, और हमारे साथ कामयाबी ही कामयाबी. क्यों, क्या ख्याल है? बच्चे हो तुम, बिल्कुल बच्चे. हाँ बच्चा हूँ, मगर बहुत शरारती हूँ. बैंड बजा दूंगा तुम्हारी. हेलो मिस्टर पंडित. हाँ जी, दिस इज मिस्टर पंडित. मैं डॉक्टर शेखावत बोल रहा हूँ, मानपुर राजस्थान से. हाँ जी डॉक्टर साहब, कहिए. आपके पिता मेरे हॉस्पिटल में भर्ती हैं. क्या हुआ बाबा को? उनकी हालत बहुत खराब है, आप जल्दी आ जाइए. थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं भी आ रहा हूँ. एक्सक्यूज मी, यहाँ का आईसीयू वार्ड का है. Do you understand? बोल नहीं सकता क्या? पढ़ नहीं सकता क्या? Bloody idiot. भाई साहब जी, मिस्टर रमाकांत पंडित कहाँ मिलेंगे? आइए हमारे साथ. बेटा जी सुनो, तुम धनंजय हो? हाँ जी. जीते रहो. बेटा तुम कौन है? वो बताती हूँ. बाबा ये सब क्या है? इतने महीनों से आपकी कोई खबर नहीं, और अचानक ये सब. आपको फौरन मेरे साथ वापस आना पड़ेगा. और सब खत्म हो चुका है, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं. मुझे तुम्हारे साथ बहुत जरूरी बात करनी है. कुछ बोलोगे नहीं? क्या सुनना चाहती हो? कि मैं अपने बाप के बारे में जानकर बहुत खुश हूं. उसके होने ना होने से कुछ नहीं बदला, मैं तो आज भी वही हूं, किसी की नाजायज औलाद. ऐसा मत बोल बेटा, वो तुझे अपना नाम देना चाहते हैं. मुझे किसी के नाम की जरूरत नहीं. मेरा नाम आफताब है, और मेरी कहानी इसी से शुरू होती है और इसी पे खत्म होगी. मैं और मरियम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन उन दिनों एक हिंदू लड़के से मुसलमान लड़की की शादी. फिर भी
तुम्हारे दादा से इजाजत लेने के लिए मैं कलकत्ता से बंबई आया, लेकिन किस्मत देखो, तभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच सन 71 की लड़ाई शुरू हो गई और एक दिन अखबार में मैंने मरने वालों में मरियम का नाम पढ़ा। बस हार मान ली मैंने और कुछ दिनों के बाद तुम्हारी माँ से मेरी शादी हो गई। लड़ाई के आखिरी दिनों में पता चला कि तू मेरी कोख में है। मैं उनसे मिलने बंबई गई, वो तो नहीं मिले, लेकिन उनकी बीवी ने अपने बसे बसाए घर का वास्ता देकर मुझे लौटने पर मजबूर कर दिया। और बेटे, मरते वक्त तुम्हारी माँ ने बताया कि मरियम जिंदा है और मेरा बच्चा उसके साथ है। कई महीनों की तलाश के बाद आखिर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। उस दिन से बस वो तुम्हें मिलने की भीख मांगते रहे और मैं उन्हें मना करती रही, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम्हारी जिंदगी की सारी कड़वाहट, सारी नाराजगी का सारांश वो आदमी है। बेटा, मैंने डर को कभी अपने नजदीक आने नहीं दिया, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि तू मेरी कोख में है, मेरे अंदर से आवाज आई, क्या मुझे हक है इस बच्चे को दुनिया में लाने का? ये जानते हुए कि मैं एक नाजायज औलाद पैदा करने जा रही हूं, ये जानते हुए कि दुनिया का हर आदमी अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए इस बच्चे को अपनी इज्जत की ढाल बनाएगा, तब मेरे अंदर से जवाब आया, मेरे इस फैसले को पाक बनाना सिर्फ मेरे बच्चे के हाथ में होगा। तू चाहती है ना मैं उससे मिलूं? चल। इस तरह नहीं बेटे, मैं इतना बड़ा नहीं हूं जो अपनी सारी जिंदगी का जहर एक ही घूंट में पी जाऊं। यही वो आदमी है जिसने हमारा ट्रक उड़ाया था और ये इसका शहरी भाई है जो हमारा काम करेगा। इसी तरह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है और शास्त्र कहते हैं पिता की मृत्यु के बाद उनके अधूरे संस्कार, उनके सारे संकल्प, सारी इच्छाएं, सब कुछ बड़े बेटे को ही पूरा करना है, पिता के वंश को आगे बढ़ाना है और पिता के सारे सांसारिक रिश्ते नातों को मन, वचन, कर्म से अपना लेना है। अब वो ही उसका उत्तराधिकारी है। बड़ा बेटा आगे आए और मुखाग्नि दे। लाइए पंडित जी।
इस सोमवार के अगले सोमवार एकादशी है बेटा, बहुत शुभ दिन है, उसी दिन आके अस्थियां ले जाना और विसर्जन कर देना, बहुत शुभ रहेगा।